नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 10.5 को डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 30 काउज ईट 5 केजी ऑफ ग्रास इन 20 डेज। 30 काउज है वो 20 डेज में 5 केजी ग्रास को खाती है। हाउ मेनी केजी ऑफ ग्रास विल 15 काउज ईट इन 25 डेज। 15 काउज है वो 25 डेज में कितने केजी ग्रास को खाएंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन की करने की अप्रोच क्या है। इसमें हमारे पास तीन वेरिएबल है, तो हम तीन कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे काउज, सेकंड में डेज और थर्ड में केज। ठीक है, अब देखो जिसको फाइंड आउट करना है उसको हम इक्वल के राइट साइड में रखेंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अब काउज कितने आपके पास, 30 काउज 20 डेज में 5 केजी ग्रास को खाती है। ठीक है, अब आपको एक चीज नोट करनी है, लेस के लिए आप ऑलवेज डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड मोर के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब देखो या 30 काउज है, मैं एक काउज के लिए फाइंड आउट करता हूं। मान लो मेरे पास एक काउ है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है, एक काउ है और 20 डेज रखता हूं, तो एक काउ के लिए आपका जो ग्रास हो कम लगेगा या ज्यादा, कम लगेगा। और कम के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसका किस में डिवाइड करेंगे, 5 में आप 30 का डिवाइड करेंगे, तो याद रहेगा 5/30। ठीक है, अब देखो एक काऊ है और एक दिन आपको वो ग्रास लाना है, तो ग्रास कम लगेगा या ज्यादा, कम लगेगा, तो अगेन 20 का इसमें डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आप इसको ऐसे सोल्व करेंगे, तो अगेन 5/30 × 20। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, काउज कितने आपके पास, 15, तो 15 काउज है और डे आपके पास 1 ही है। तो अब देखो ये एक काउज के लिए इतना केजी ग्रास है, तो 15 के लिए आपको ज्यादा ग्रास चाहिएगा और ज्यादा के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 × किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 के साथ, अपॉन 30 × 20। ठीक है, फिर देखो 15 काउज है, 15 काउज को 25 डेज ग्रास चलाना है, तो देखो यहां तो 1 डे के लिए था, तो 25 डे के लिए ग्रास और ज्यादा चाहिएगा, तो मोर के लिए आप अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 15 × 25 अपॉन में आ जाएगा आपका 30 × 20। ठीक है, अब देखो 15 से 30 है वो 2 टाइम कैंसिल और 5 से 20 है वो 4 टाइम कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 25/4 × 8। 25 में 8 का डिवाइड देंगे तो 3.125 केजी, यानी कि 15 काउज को 25 दिन में 3.125 केजी ग्रास की आवश्यकता होगी। ठीक है गाइस, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। 20 पैकेट्स ऑफ सुगर, ईच पैकेट कंटेनिंग 25 केजी, कॉस्ट ₹400। What will be the price at this rate of 15 packets each containing 30 kg? देखो 20 पैकेट sugar के हैं और प्रत्येक पैकेट में 25 kg sugar है और उसकी cost हमें दे रखी है ₹400। हमें बताना है कि 15 packets हैं और प्रत्येक पैकेट में 30 kg sugar है, तो उसकी क्या प्राइस होगी, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये भी फर्स्ट की तरह ही करना है आपको। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे आप, पैकेट्स, ठीक है, और सेकंड में आप लिखेंगे क्वांटिटी इन केजी। ओके, और जिसको फाइंड आउट करना है उसको हम राइट साइड में रखेंगे। क्या फाइंड आउट करना है, प्राइस, तो इधर लिखेंगे आप प्राइस। ठीक है, अब देखो पैकेट्स 20 पैकेट्स हैं और 25 केजी और इसकी प्राइस क्या है, ₹400। अब देखो
ये 20 पैकेट्स है। अब मैं एक पैकेट की अगर प्राइस निकालूं तो कम होगी या ज्यादा? कम होगी, और कम के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा 400 अपॉन में आ जाएगा आपका 20, ठीक है। अब एक पैकेट है और एक केजी है आपके पास, एक पैकेट और एक केजी है, तो प्राइस क्या होगी, और भी कम होगी। तो फिर ये 25 इसके डिवाइड में आ जाएगा, 400 अपॉन 25 into 20। अब देखो आपके पास पैकेट्स कितने हैं, 15 पैकेट्स हैं, ठीक है। 15 पैकेट्स 1 केजी इज इक्वल, देखो ये एक पैकेट की प्राइस है, 15 पैकेट की प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई होगा, 400 into 15 upon 25 into 20। अब 15 पैकेट्स और ईच कंटेनिंग 30 केजी, 15 पैकेट है और एक पैकेट में 30 केजी वेट है, तो अब बताओ उसकी प्राइस क्या होगी, और ज्यादा होगी। ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई आएगा, 400 into 15 into 30 upon 25 into 20, ठीक है। अब देखो 25 से 400 आपका कट जाएगा 16 टाइम, और 5 से कट गया ये 3 टाइम, और ये आपका 4 टाइम, 4 से कट गया ये 4 टाइम, 4 into 3 12, और 12 3 36, तो रुपीज 360, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 18 20 21 24 टू गेट द नंबर्स विच आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। तो हमने छोटी क्लासों में देखा था कि ए रेशियो बी, और ये जो साइन है वो आपका प्रोपोर्शन का है, सी रेशियो डी। अब इसमें हमने सीखा था कि जो ए और डी है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स, और बी और सी को बोलेंगे मीन्स। तो इसमें हमने पढ़ा था कि ए और डी का प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम दैट इज ए इंटू बी इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ये हमने प्रोपोर्शन में छोटी क्लासों में सीखा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन में क्या बोला कि भाई इन नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए ताकि वो नंबर्स किस में आए, प्रोपोर्शन। तो उसको हम एक्स कंसीडर कर लेते हैं, लेट नंबर एडेड बी एक्स, ठीक है। तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 18 प्लस एक्स रेशियो 20 प्लस एक्स, प्रोपोर्शन 21 प्लस एक्स रेशियो 24 प्लस एक्स। अब हम एक्सट्रीम का प्रोडक्ट करेंगे, 18 प्लस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स इंटू 21 प्लस एक्स, ओके। अब इनका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं, 18 इंटू 24 432 प्लस 18x, फिर x का 24 के साथ 24x, x into x, x square is equal to 20 into 21 420 plus 20x plus 21x plus x square। अब यहां से x square से x square कट गया, 432, और इसको ऐड करेंगे तो 42x is equal to 420 प्लस 41x, 41x को इस साइड लेके आ जाएंगे, 42x माइनस का हो जाएगा 41x इज इक्वल टू 420, इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो ये नेगेटिव होगा 432, 42 में से 41 माइनस करेंगे तो x बचेगा, इस साइड से माइनस का 12, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, और इसके साथ हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट, ओके गाइस। अब हम लास्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अ होस्टल स्पेंड्स रुपीज 5000 एज कॉस्ट ऑफ सुगर फॉर 30 स्टूडेंट फॉर 25 डेज। एक हॉस्टल है जो 25 डेज के लिए
30 स्टूडेंट के लिए 5000 रुपीज सुगर पे खर्च करता है। इफ दे स्पेंड रुपीज 4000 फॉर 40 स्टूडेंट्स फॉर हाउ मेनी डेज विल द सुगर लास्ट। अब क्या बोला कि यदि 40 स्टूडेंट के लिए वो 4000 रुपए खर्च करता है तो जो सुगर है वो कितने दिन चलेगी, ये हमें बताता है। तो इसके लिए हम तीन कॉलम बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, सेकंड में सुगर कॉस्ट, और जिसको फाइंड आउट करना है उसको इक्वल के राइट साइड में लेते हैं, डेज। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स कितने हैं, 30 स्टूडेंट कितने पे खर्च करता है 5000, और कितने दिन के लिए 25 डेज। अब ध्यान से देखो, अब मैं एक स्टूडेंट लेता हूं, मानो अपने पास एक स्टूडेंट है और उस पर कितने रुपए खर्च करें अपन, 5000 ऐसे मान के चल रहे हैं। एक स्टूडेंट रुपीज 5000, तो ज्यादा दिन चलेगी सुगर, इसका मतलब ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 25 को हम 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। अब एक स्टूडेंट है और जो रुपीज है वो हमारे पास एक है, एक रुपए लेते हैं, एक स्टूडेंट रुपीज एक, तो डेज है वो कम होगा, और कम के लिए क्या होगा, डिवाइड। तो 25 इंटू 30 किसका डिवाइड करेंगे, 5000 का। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट रुपीज आपके पास एक है। देखो यहां एक स्टूडेंट है या 40 स्टूडेंट है, तो जो डेज है वो कम लगेंगे, और कम के लिए डिवाइड होता है, 25 इंटू 30 अपॉन 5000, और इंटू में क्या आ जाएगा आपका 40। नेक्स्ट, 40 स्टूडेंट सुगर कॉस्ट 4000 खर्च करता है। ठीक है, अब देखो 40 स्टूडेंट है, अब जो पैसे हैं वो 4000 है, तो जो सुगर है वो ज्यादा आएगी, ज्यादा आएगी तो वो ज्यादा दिन चलेगी, और ज्यादा के लिए क्या होगा, प्रोडक्ट। तो 25 इंटू 30 इंटू 4000 अपॉन 5000 इंटू 40। देखो तीन जीरो से तीन जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, फोर से फोर कट गया, फाइव से कट गया ये 5 10, 5 × 3 15 डेज। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया, और इस आंसर के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।